तो इस केक को बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर बड़ा सा बर्तन और उसमें मैंने लिया है आधा कप दही। दही को हम इस बाउल में डाल देंगे और इसे हमें अच्छे से फेंट लेना है। आधा मिनट के करीब इसको फेंट लेंगे ताकि इसमें कोई भी गांठें ना रहें। ये हमने अच्छे से फेंट लिया है दही को। अब इसमें डालेंगे पाउडर्ड शुगर, तो ये मैंने एक कप और हाफ कप का भी हाफ कप लिया है, यानी कि 1+1/3 कप हमने यहाँ पर शुगर लिया है। इसको मिक्सर में पीस करके पाउडर बना लिया है, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसमें डालेंगे हाफ कप रिफाइंड ऑयल या फिर कोई भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं, बस उसकी स्मेल जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। ये हमने मिक्स कर दिया है। अब लेंगे हाफ कप मैदा, इसको हम छान लेंगे, पहले से ही मैंने छान लिया है, और इसको भी हमें मिक्स कर लेना है और बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं होने चाहिए, तो इसको आप अच्छे से फेंट लीजिए। तो ये हमने फेंट लिया है। अब यहाँ पर लिया है हमने सूजी, मैंने बिल्कुल बारीक वाली सूजी ली है, आप देख सकते हैं। अगर मोटी है तो आप इसको मिक्सर में पीस सकते हैं और ये हम इसमें धीरे धीरे करके मिक्स कर देंगे। सूजी मैंने 1.5 कप ली है और इसे हमें थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर देना है अच्छे से। तो आप देख सकते हैं बैटर अभी काफ़ी थिक है। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे दूध, नॉर्मल दूध है ये, बॉईल करके नॉर्मल मिल्क है ये, तो थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे। 1 कप मैंने लिया है पर पूरा इसे हम यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। तो इसे हम थोड़ा थोड़ा डाल करके दूध को अच्छे से एक बैटर बना लेंगे, थोड़ा सा पतला ही बैटर बनाना है थोड़ा। तो ये देखिए ये बैटर हमने रेडी कर लिया है। तो ये अभी हम सोक करने के लिए इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सूजी जो है एब्जॉर्ब कर ले अच्छे से। तो ये 15 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं सूजी ने अच्छे से लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लिया है और काफ़ी थिक भी हो गया है। तो जो बचा हुआ दूध है वो डाल करके अच्छे से बैटर बना लेंगे एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी का। तो इसे थोड़ा थोड़ा डाल करके बढ़िया सा बैटर बना लिया हमने। और ये वनीला एसेंस हम डाल देंगे 1 चम्मच, फ्लेवर के लिए हम डाल रहे हैं, आपके पास नहीं है तो मत डालिए। और दूध ये 3 चम्मच बच गया है, तो वनीला एसेंस डाल करके हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसको अब हम एक साइड में रख देते हैं और कुकर को हम प्री हीट कर लेते हैं क्योंकि हम कुकर में बना रहे हैं। तो गैस को ऑन कर दिया है और एक वायर्ड रैक हमने रख दिया है, आप यहाँ पर कोई भी कटोरी या प्लेट ले सकते हैं, उसको ढक देंगे और प्री हीट होने देंगे। अब यहाँ पर हमने ले लिया है एक मोल्ड और उसमें मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ये बटर पेपर या फिर पार्चमेंट पेपर, और इसे अच्छे से हमें ग्रीस कर लेना है ताकि बैटर जब हम इसमें डालेंगे और केक हमारा बन जाएगा तो वो चिपकेगा नहीं, इससे बहुत ही ईजिली निकल जाएगा। तो बहुत ही अच्छे से ग्रीस कर लिया हमने। अब इसमें डालेंगे टूटी फ्रूटी, तो मैं बेस में थोड़ा सा पहले डालूँगी। तो ये टिन हमारी रेडी हो गई है, इसको एक साइड में रख देंगे। और अब बैटर में हम डालेंगे लास्ट में इनो, यहाँ पर हम बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर ऐड नहीं कर रहे हैं, उसकी जगह पर हमने यहाँ पर इनो डाल दिया है। 1 सैचेट डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और फटाफट इसे हमें मिक्स करने के बाद इसे हमें अपने जो बेकिंग हमारा पैन है उसमें हम इसमें डाल देंगे फटाफट से। ये हमने टिन में डाल दिया है अच्छे से, और आप बड़ा टिन ही लीजिए इसके लिए, कोई बड़ा बर्तन। और ये हमने ऊपर से भी थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल दी है, आप चाहे तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं अगर आपके पास टूटी फ्रूटी नहीं है। तो ये रेडी हो गया है और ये हमारा कुकर भी प्री हीट हो गया है। तो बहुत ही केयरफुली इसके अंदर हम डाल देंगे, ये काफ़ी गर्म होता है। और अगर आप कुकर का ढक्कन यूज़ कर रहे हैं तो उसकी सीटी और गैस्केट आप इसको निकाल दीजिए, उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर ये लिड यूज़ कर रही हूँ। और अब इस केक को हम 50 मिनट्स के लिए बेक करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर, और बीच में एक बार 40 मिनट के बाद इसको हम चेक भी करेंगे। तो ये 50 मिनट्स हो चुके हैं, मैंने 45 मिनट्स पर एक बार चेक कर लिया था तो केक पका नहीं था, 50 मिनट्स पर ये पूरी अच्छी तरीके से बेक हो चुका है। तो अब इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे
और उसके बाद हम इसको निकालेंगे। तो केक जब अच्छे से ठंडा हो जाए तब इसको हम डीमोल्ड करेंगे ताकि ईजिली ये निकल जाए। तो ये केक हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है 15 मिनट के बाद में। तो ये मैंने चाकू डाल करके इसे अच्छे से घुमा लिया है ताकि ये ईज़िली मोल्ड से निकल जाए। तो ये देखिए बहुत ही ईज़िली ये केक मोल्ड से निकल गया। तो मैं अब इसको दिखाती हूँ आपको कि ये कितना सॉफ्ट और कितना स्पॉन्जी बना हुआ है। तो पहले इसे हम इस तरीके से हटा लेंगे। और ये देखिए मैंने ये पेपर हटा दिया है उसका, और ये कितना सॉफ्ट और कितना स्पॉन्जी बना है, बहुत ही बढ़िया हमारा केक बना है। इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद इसको हम कट करेंगे। गर्म में आप कट करेंगे तो ये बिखर जाएगा। ये देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि कितना ये सॉफ्ट बना है। ये देख सकते हैं आप, एकदम परफेक्ट हमारा केक बना है सूजी का, एकदम बढ़िया जालीदार और एकदम सॉफ्ट है। और देखने में जितना ये कमाल का लग रहा है, खाने में भी उतना ही कमाल का है, बहुत ही बढ़िया है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मैं मिलूँगी मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।